सामने आ रही है। फर्जी वोटिंग करते पकड़ी गई है महिला। जेठानी का वोट डालने आई थी आरोपी महिला और पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। बिलासपुर के विशारद नगर कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से, जहां फर्जी वोटिंग करते हुए एक महिला पकड़ी गई है और तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, इससे पूछताछ की जाएगी। जेठानी का वोट डालने आई थी आरोपी महिला, पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। बिलासपुर के विशारद नगर कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रामपुर से जब्बार जुड़े हुए हैं। जब्बार, वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या थोड़ा बढ़ पाया है फिलहाल, क्या अपडेट, और एक फर्जी वोटिंग करते हुए महिला भी पकड़ी गई है? देखिए, इस वक्त जो मुझे वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का दिखाई दे रहा है, उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन की साइट है, 37.1% रामपुर में और 45.97% आजमगढ़ में हुई है। यानी कि जो उम्मीद थी उस उम्मीद से कहीं कम वोटिंग प्रतिशत इस वक्त सामने आ रहा है। आरोप भी दरअसल इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे वो आजम खान हो या उनके प्रत्याशी, लगा रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज को कम करने की कोशिश सरकारी मशीनरीज की है सरकार के इशारे पर। यह उनका एक बड़ा गंभीर आरोप था। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से इन आरोपों का खंडन किया गया और यह कहा गया कि हम बाकायदगी से पूरी व्यवस्थित तरीके से वोट लोग अपना कास्ट कर सके उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। जैसा कि आप बता रहे थे कि एक महिला जो कि बुरखे में जाकर के फर्जी वोट डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार फर्जी वोटों को पकड़ने के लिए, खासतौर पर महिलाओं के फर्जी वोटर्स को पकड़ने के लिए, रामपुर के जो पुलिस कप्तान है अशोक कुमार, उन्होंने कहा था कि हमने दो महिलाओं की हर बूथ पर अलग से विशेष टीमें गठित कर रखी हैं ताकि कोई महिला फर्जी तौर पर वोटिंग ना कर सके, एक महिला की गिरफ्तारी। हालांकि ये तस्वीरें यहां की मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देखें कि ये जो मतदान केंद्र है, ये जो तस्वीर इस वक्त दिख रही है, सुबह से लेकर के इस वक्त तक कुछ ऐसा ही दृश्य है। इक्का दुक्का लोग, 2-4 लोग आते हैं, बीच बीच में अपने मत का प्रयोग करके फिर वापस जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की टीमें लगी हुई है, पुलिस की टुकड़ियां हैं। हालांकि ये कैसा पोलिंग केंद्र है जिसे सखी पोलिंग बूथ कहा जाता है, जहां पर तमाम तरह की जो कर्मचारी हैं वो महिलाएं ही हैं, ताकि पब्लिक को अवेयर किया जाए, खासतौर पर महिलाओं को अवेयर किया जाए पोलिंग केंद्र तक लाने के लिए। लेकिन रामपुर का समीकरण इस वक्त जो कुछ कह रहा है, उसके कई सारे माने इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक जो विश्लेषण करते हैं वो निकाल रहे हैं कि लो वोटिंग परसेंटेज के मायने क्या है। क्या आजम खान की पार्टी या फिर आसिम राजा की कश्ती डूबती हुई नजर आ रही है, या फिर लो परसेंटेज में भी समाजवादी पार्टी? ठीक है, जब्बार और अजीत, आप दोनों बने रहेगा हमारे साथ।